है कि इस लीग में वो टॉप के क्रिकेटर्स तनवीर नजर नहीं आए के जो आप दुनिया की दीगर लीग देखें। एक बात तो मैं मानता हूं आप दोनों की, क्योंकि लीग बहुत हो रही है, फिर आईपीएल होने वाली है, तो क्रिकेटर जो है वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं, लेकिन वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतने बड़े आए? देखिए सीधी बात पैसे की बात है, जो मुझे ऐसा लगता है जो क्रिकेटर्स जो मैं समझ रहा हूँ कि पीएसएल में इस वजह से नहीं आए क्योंकि आईपीएल होनी है, वही लोग जो आईपीएल में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने टीम्स खरीदी हुई हैं, उन्हीं से मिलते जुलते ये वही लोग ही उन्होंने दुबई में लीग्स खरीदी हुई हैं और आगे पीछे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका हर जगह पे इनसे मिलते जुलते लोग श्रीलंका में भी है। अगर यही लोग इसी पीएसएल के दौरान कोई लीग करवाएंगे, ये सब क्रिकेटर्स जाके वहां खेलेंगे, उसकी सबसे मेन वजह है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं उसके साथ पैसा भी देते हैं, जिनको जिनके दो दो तीन तीन साल के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते लेकिन जब खेलने आते हैं सीजन पैसा देते हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूँ, आपकी पीएसएल बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें, जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे आपकी लीग बैठ जाएगी। टीम बढ़ाने की बात हो रही है, आप पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टीम बेशक बढ़ाएं, 8 करें, 10 करें, 12 करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो पैसा कौन बढ़ाएगा खुर्रम? पैसे से दिमाग चेंज हो जाता है बंदे का। नहीं, ये इन्होंने अच्छी और गहरी बात की है, जितनी लीगें हो रही है अब पैसा प्लेयर देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग कमा रहे हैं। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी परसों एक ड्राफ्ट खत्म हुआ है, ओवर 30 प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ, श्रीलंका में लीग हो रही है, उसमें भी 90% जो ऑनर्स है वो इंडियंस के हैं, और वो लीग भी कराने वाला भी शायद इंडियंस ही है, तो लीग तो हर जगह हो रही है, जहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं प्लेयर को, वहाँ प्लेयर वहाँ एंगेज होना चाहता है। 1,75,000 डॉलर नहीं मिल रहे, देखिए पाकिस्तान भी अच्छा दे रहा है, मैं उसके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ इस तरह कि अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो बड़े नाम क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे, और अगर सारे प्लेयर ऐसे कौन फ्रेंचाइज बढ़ाएगी या क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा? क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करेगा हमें बढ़ाने, बात करेगा, लीग का लेवल बढ़ा रहे हैं, कह रहा है कि फिर लीग फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना, अगर आप बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है, स्टैंडर्ड है हमारा, मगर आपकी लीग को डैमेज हो रहा है, देख बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे, और नेक्स्ट ही मंथ मेरे ख्याल से आईपीएल है, इसके लिए भी रुके हैं, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा अगर पैसे बढ़ेंगे तो बड़े नाम भी इंटरेस्टेड होंगे। इकबाल भी प्लैटिनम को कितने पैसे मिले? 1,70,000 डॉलर, बढ़ाओ ना उसको, आप बढ़ाएगा कहाँ से लाएंगे? आईकॉन होता है सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके डायमंड को 85,000 डॉलर मिल रहे हैं, बढ़ाओ ना इसको, बढ़ाओ, सिंपल सी चीज लाएंगे कहां से, बढ़ाओ तो सही, क्यों नहीं लाओ? देखिए बात सुने, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आप अपनी पीएसएल में पैसा नहीं ला सकते ना, तो फिर मेरे सामने कोई ये मुझे ना बोले कि यार पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है, आपका ब्रांड बनता उस वक्त है जब आपका पैसा लेके आते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो पता है ना आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, और 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।